भारत में हर घंटे लगभग 53 सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये आंकड़ा वर्ल्ड बैंक का है। हमारे देश में दुनिया भर के वाहनों का केवल 1% है। इसके बाद भी सड़क हादसों में ग्लोबल डेथ के आंकड़े में हमारा योगदान यानी कि भारत का योगदान 11% है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सड़क हादसों में हुई मौतों के मामले में पहले स्थान पर है। इन हादसों के पीछे सबसे बड़ी वजह गाड़ी चलाते वक्त बरती जाने वाली लापरवाही है, या फिर हम इसके पीछे गाड़ी चलाने के खास नियमों की जानकारी का अभाव भी मान सकते हैं। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस बनवाने के लिए आपको RTO ऑफिस जाना होता है, जहां पर आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। लेकिन अब सरकार एक ऐसी योजना बना रही है कि आपको लाइसेंस के लिए RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। दरअसल एक्सीडेंट को कम करने के लिए हाल में एक बड़ा नियम बनाया गया। इसके तहत लोगों को प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी चलाना सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे संस्थानों के बारे में बात कर चुकी है। मान्यता मिले हुए ये सेंटर लोगों को गाड़ी चलाने की पक्की ट्रेनिंग देंगे, ताकि मुश्किल और तुरंत निर्णय लेने जैसे हालातों में ड्राइवर घबरा कर कंट्रोल ना खो दें, बल्कि वे गाड़ी को कंट्रोल कर लें। इस दौरान थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। साथ ही सेंटर अपने यहाँ ही लोगों से ड्राइविंग ट्रैक पर प्रैक्टिस करवाएंगे। ट्रेनिंग लेने के लिए सेंटरों पर नए लोग भी आ सकेंगे जिन्हें ड्राइविंग की ABCD ना पता हो। साथ ही वे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं जो छोटे कस्बों से निकलकर शहरों में आकर गाड़ी चलाना चाहते हों। ये एक तरह का कोर्स होगा और इसके लिए आपको तमाम चरणों से गुजरना होगा, जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल। सेंटर पर ही ड्राइविंग ट्रैक होगी जिस पर आपको गाड़ी चलाकर परीक्षा को पास करना होगा। परीक्षा में पास होने पर यहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, और यही वो सर्टिफिकेट होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस का काम करेगा। अगर आपके पास सेंटर से गाड़ी सीखने का सर्टिफिकेट होगा तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक ये नियम इसी साल जुलाई के बाद लागू हो जाएगा। इसके बाद उन सेंटरों की पहचान की जाएगी जो ड्राइविंग सिखाने के लिए सबसे उचित हैं। भारत में ज़्यादातर ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षण नहीं लेते, बल्कि वे किसी तरह से गाड़ी चलाना सीख लेते हैं और फिर लाइसेंस बनवा कर सड़कों पर निकल पड़ते हैं। जरूरी नियमों का पालन ना करने, नियंत्रण खो देने की वजह से बड़ी संख्या में दुर्घटनाएँ होती हैं। इसी को कम करने के उद्देश्य से ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने पर सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।